दोस्तों मॉन्क मोड के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की लाइफ में से पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर उसकी लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। क्योंकि इन तीन चीजों से ही आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाते हो, और अगर इन्हें निकाल दो तो अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों से खो दोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप गलत आदतों में पड़ रहे होंगे, पर खुद को रोक नहीं पाओगे, अपनी हेल्थ को बिगड़ते देखोगे, अपने सपनों को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखते रहोगे, पर कुछ नहीं कर पाओगे। और सच तो यह है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन के, जो उन्हें बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। पर क्या हो अगर हम आपको एक ऐसा रास्ता बताएं जो आपको इन 95% लोगों से आगे ले जाएगा, जो सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देगा, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा, जहां बचेगा तो सिर्फ आप, आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन। और ये रास्ता है मॉन्क मोड। दोस्तों मॉन्क मोड लाइफ की एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए कुछ समय के लिए, जैसे कि 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल्स, खुद के बेटरमेंट और खुद के लाइफ पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया, बुरी आदतें, टाइम वेस्टिंग लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। यानी शॉर्ट में समझा जाए तो आप उस हर एक चीज से दूर हो जाते हो जो आपके गोल्स और लाइफ पर्पस के बीच में आती है। यानी आपको अपनी लाइफ से उन चीजों को हटाना है जो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती हैं, और उन चीजों को फॉलो करना है जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं। आपके टाइम का हर एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए यूज होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे रिवर्स ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वेल हाँ, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये इतना मुश्किल है कि आप इसे बहुत लंबे समय तक फॉलो भी नहीं कर पाओगे, और करने की जरूरत भी नहीं है। तभी तो हमने बोला आपका मॉन्क मोड 21 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, और ज्यादा से ज्यादा 1 साल का भी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपने गोल्स और टाइम के हिसाब से कब तक फॉलो करना चाहते हो। बट शुरुआत के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप इसे सिर्फ 21 दिन के लिए ट्राई करो। अगर 21 दिन बाद आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स दिखने लगे, जहां आप पहले से ज्यादा फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और डिसिप्लिन फील करने लगोगे, जिसकी हम गारंटी लेते हैं कि आप करोगे, तब इसे और आगे कंटिन्यू करो। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। अपने मॉन्क मोड को आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा, अपनी ड्रीम लाइफ और नाइटमेयर लाइफ के बीच का फर्क जानकर। ड्रीम लाइफ वर्सेस नाइटमेयर लाइफ। ड्रीम लाइफ, अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसाइड करा है तो आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर सोचना होगा कि आप आखिर क्या चेंज करना चाहते हो। इस लाइफ को छोड़ के आप कैसी लाइफ चाहते हो, आपकी ड्रीम लाइफ कैसी है, यानी जो भी आप चाहते हो अगर आप उसे पा लेते हो तो आपकी कैसी फीलिंग होगी, आप कैसा महसूस करोगे, आपकी लाइफ कैसी हो चुकी होगी। अब यहाँ आपको रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली भी सोचना है, ऐसा नहीं कि जो आपको ही प्रैक्टिकल ना लगे और जहाँ पहुँचने के रास्ते आपको ही क्लियरली ना दिख रहे हो। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने एक आइडल को इमेजिन करो, अपनी ड्रीम लाइफ के एक नॉर्मल दिन को इमेजिन करो। फुल डिटेल में जाके एक पेपर पे उस दिन का पूरा शेड्यूल लिखो। आपका दिन असल मायनों में कैसा होना चाहिए, आप सोकर कब उठे, आप क्या काम करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप इमोशनली कैसा फील करते हो। ये आपको जीतने के लिए मोटिवेट करेगा और सेटिस्फेक्शन ऑफ विनिंग देगा। नाइटमेयर लाइफ, इसके बाद जो भी आपने सोचा है इसका ऑपोजिट कर दो और सोचो कि आप अभी अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो उसे वैसा ही रखते हो, कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं लाते और ऐसे ही जीते रहते हो। तो आज से कुछ समय बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, सोचो अगर आपने जैसा सोचा है वैसा हुआ ही नहीं और आप वो लाइफ जी रहे हो जो आप जीना नहीं चाहते, तो ये होगी आपकी नाइटमेयर लाइफ। अगर लेजी हो, मेहनत नहीं करते, आप अभी पूरा दिन जंक फूड खाते हो, वर्कआउट नहीं करते, तो इससे इमेजिन करो कि आज से कुछ साल बाद सोचो कि आप कितने मोटे और अनहेल्दी हो चुके होंगे। अगर आप सोशल मीडिया और गलत चीजों से एडिक्टेड हो तो सोचो आज से 5 साल बाद आपके माइंड और सेक्सुअल हेल्थ की क्या हालत होगी। आपकी लाइफ एक नाइटमेयर बन चुकी होगी, इसीलिए तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है ताकि आप इस मीडियोकर और एवरेज लाइफ से डरो और इसे चेंज कर पाओ। दोस्तों आप मानो या ना मानो, सक्सेस के बारे में सोचकर आप जितना मोटिवेटेड फील करते हो, हारने का डर उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेशन देता है। इन दोनों लाइफ के डेली शेड्यूल को जानने के बाद अब आपको अपने लिए एक आज ही से ऐसा शेड्यूल बनाना है
जिससे आप अपनी इस नाइटमेयर लाइफ को अवॉइड कर पाओ और ड्रीम लाइफ के करीब जा पाओ। और यहाँ मॉन्क मोड काम आता है, जो आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है ताकि आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाओ। जैसा कि ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट लीनिंग इनटू रेजिस्टेंस, टेकिंग एक्शंस इन स्पाइट ऑफ हाउ यू फील, लिविंग लाइफ बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली इट्स एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद योर थॉट्स नॉट योर फीलिंग्स। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही है रेजिस्टेंस मोड में जाना। आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, फिर भी वो करना जो सही है। लाइफ को खुद डिजाइन करके जीना, डिफॉल्ट में नहीं। और सबसे जरूरी, अपने थॉट्स एक्शन लेना, ना कि अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और मॉन्क मोड में एंटर हो जाओ। इसके लिए करना क्या क्या है, आइए जानते हैं। मॉन्क मोड प्रोटोकॉल। मॉन्क मोड में क्या क्या नहीं करना है आप समझ चुके होंगे, अब क्या करना है वो समझते हैं। इस मॉन्क मोड के दौरान आपको 3 नॉन नेगोशिएबल चीजों की लिस्ट बनानी है, और ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको हर दिन फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी, आपको ये 3 चीजें तो करनी ही करनी है। पहली है 30 मिनट मेडिटेशन, दूसरी एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, बस आपको अपनी बॉडी को किसी भी तरह के प्रेशर में डालना है, और साथ ही थर्ड है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। अब ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये 3 चीजें आपकी बॉडी और आपके माइंड के लिए फ्यूल की तरह काम करेगी, ताकि आप पूरे मॉन्क मोड के दौरान अपना बेस्ट दे पाओ। आप चाहो तो अपने हिसाब से इस लिस्ट में और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे 8 घंटे की नींद लेना, बुक पढ़ना या कुछ भी। इतना सब करने के बाद आपका मॉन्क मोड का शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह उठो, 1 ग्लास भर के पानी का पियो, 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, एक मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सनलाइट लो, अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो या जिम जाओ, और फिर काम पर लग जाओ। दिन में एटलीस्ट 2-4 घंटे के डीप वर्क सेशन करो, उसमें अपने सारे काम को फिनिश करो। बीच बीच में 15 से 30 मिनट का ब्रेक भी लो, पर याद रहे नो सोशल मीडिया। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप जो भी काम कर रहे हो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के बहुत ही इंटेंस फोकस के साथ कंप्लीट करो। ज्यादा किसी से कोई फालतू बात मत करो, अपने काम से काम रखो। पूरे दिन एक हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करो, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पियो, और लास्ट रात में सोने से पहले एक बुक के कुछ पेजेस पढ़ो। अगले दिन उठो और सेम चीज रिपीट करो। इससे आप कुछ ही टाइम में एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे देख के आपके आसपास के लोग भी कहेंगे तुम पहले से बहुत बदल गए हो। नाउ मॉन्क मोड की सबसे जरूरी बात, जिसके बिना आपका मॉन्क मोड किसी काम का नहीं, वो है एक पर्पस ड्रिवन लाइफ। पर्पस ड्रिवन लाइफ दोस्तों, मॉन्क मोड का अल्टीमेट गोल है आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ देना। अब तक आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे थे, वो या तो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे थे, सोशल मीडिया सोसाइटी को देखकर कर रहे थे, या फिर अपनी हैबिट्स और एडिक्शंस की वजह से कर रहे थे। आपकी लाइफ असल मायनों में आपकी थी ही नहीं। एक रियल पर्पस वो होता है जिसके अराउंड आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हो। अब यहां हम आपको बता दें, एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको दुनिया बदल देने वाले किसी एक पर्पस की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी करंट सिचुएशन को देखना है, उसे बदलने का एक स्ट्रांग और पावरफुल रीजन ढूंढना है, जिससे रिलेटेड आप अपने सारे डिसीजंस लोगे, बस वही आपका पर्पस होगा। मान लो अभी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आपका पर्पस स्टडीज में बेहतर बनना होगा। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, तो आपकी लाइफ का करंट पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे कुछ भी करके अपने आप को अपनी बेस्ट शेप में लाना है। या फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इस टाइम आपका पर्पस है अपनी इनकम बढ़ाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना, ताकि पैसों से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप जागते सोते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचोगे और पूरे मॉन्क मोड के दौरान सिर्फ उसी एक चीज पे काम करोगे, तब जाके आप बाकी के 95% लोगों से आगे निकल पाओगे। दोस्तों हमें पूरा भरोसा है कि मॉन्क मोड किसी भी पर्सन की लाइफ को 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में चेंज कर सकता है।